Okay, so hello everyone. This is Adarsh Banka from BrainFlex 360, and thank you for joining us here. We are live on Facebook, Insta, and YouTube. So people are joining. So let's wait for 2-3 more minutes. Till then, you can start posting the questions. Today we are going to discuss how to prepare for JEE and NEET, mains, advanced, NEET, whatever you are preparing for, engineering and medical entrances. उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो व्हाट एवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग, आई विल बी आंसरिंग देम वन बाय वन. ओके, सो वन क्वेश्चन आई कैन सी फ्रॉम विनय, दैट आर एनसीईआरटी बुक्स इनफ फॉर JEE मेंस? एक्चुअली नॉट, बिकॉज थोड़ा बहुत लेवल एनसीईआरटी से ज्यादा होता ही है. यू हैव टू रीड सम अदर बुक्स ऑल्सो. For theory, I will say कि physics and chemistry books are good enough, but for the question level, NCERT is absolutely not at par with the JEE main and even NEET. So you have to solve some more questions from any book that you like. कोई भी book होगा, that is okay. By any book, any study material, any coaching material in which there are at least 200 questions per chapter, that will be enough for the NEET and JEE preparation. But do not completely be dependent on the NCERT for the question bank. Theory wise, physics and chemistry books are good enough. Okay, another question is, does making NCERT short notes help? Yes, definitely. It's not like NCERT short notes. Whatever you are studying, hamesha short note to banana hi chahiye. Should always be ready with the short notes, because that helps a lot. जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जब भी थियरी पढ़ते हैं, जो भी नोट्स बनाते हैं, क्लास करते हैं, सबके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी हमें बनाने ही चाहिए. यू हैव टू ड्रॉ, मतलब मेक दिस शॉर्ट नोट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू टेक JEE, बिफोर दैट JEE या NEET जो भी है, तो 100 चैप्टर्स के आसपास होते हैं. अगर सारे चैप्टर्स वापस से रिवाइज करने बैठोगे तो 3-4 महीने रिवीजन में लग जाएंगे. तब तक पहला चैप्टर किया हुआ भूल जाएगा. तो आपको चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और वो शॉर्ट नोट ऐसा भी नहीं कि एक बार बना लिया और काम खत्म. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे. एवरी डे यू हैव टू रिवाइज, एवरी वीक एटलीस्ट, पूरे वीक में पूरा के पूरे जो भी चैप्टर्स है एक बार रिविजन में आ जाने चाहिए. वो शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज होते रहते हैं, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ सेशन व्हेन यू आर गोइंग टू फाइनली टेक द JEE और NEET, उस समय आपके पास एक बहुत ही छोटा सा कंसाइज फॉर्म में एक नोट्स होंगे दैट यू नीड टू रिवाइज, जो कि आपको यूजुअली याद नहीं रहते हैं. बाकी चीजें प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाती हैं. डोंट जस्ट ट्राई टू मग अप द फॉर्मूले की लिस्ट पूरी याद कर ले, वैसे नहीं याद होता है. यू हैव टू अप्लाई देम, यू हैव टू यूज द फॉर्मूले. जितने ज्यादा फॉर्मूले यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपको याद रहेगा. तो यस, शॉर्ट नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है. यस, हेलो प्रथम, हेलो विनायक. ओके, अनदर क्वेश्चन इज कि व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग? बेसिकली प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए देयर इज नो सच एज द बेस्ट टाइम और लेट टाइम और अर्ली टाइम, बट इन जनरल आई विल से 9th स्टैंडर्ड इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JEE, NEET, मेंस, एडवांस, वट एवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. तो 9th स्टैंडर्ड में आप स्टार्ट करो स्लोली, धीरे 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 धीरे. और करना क्या है हमें, एक तो आइडिया है कि भाई जो 10th का कॉन्टेंट है और 9th का कॉन्टेंट है अपना नॉर्मल प्लेन NCERT, वो 9th में फिनिश कर देना चाहिए. 9th के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं जो 11th में कनेक्टेड होते हैं. 12th के चैप्टर्स जो होते हैं वो 10th में पहले आपको पढ़ाए जाते हैं. तो 10th एंड 12th आर कनेक्टेड, 9th एंड 11th आर कनेक्टेड. सो स्टार्ट इन 9th एंड मेक श्योर, कोशिश करो एटलीस्ट कि 10th का भी जो NCERT का पार्ट है, जो आपका स्कूल का करिकुलम है, बोर्ड का पार्ट है, वो 9th के अंदर ही फिनिश कर दो. देन इन 10th स्टैंडर्ड यू स्टार्ट यूजिंग, यू स्टार्ट स्टडिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ 11th NCERT. And finally, when you go to 11th, then you should actually start full-fledged preparing for JEE main, advanced and NEET. There's another way. 9th or 10th में ही थोड़ा 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 काम करते रहिए. There are so many institutions who provide foundation course. Foundation course के नाम पे दो तरह के courses चलते हैं across India. कुछ तो ऐसे हैं जो 9th 10th के बच्चों को 9th 10th का course ही कराते हैं. But there are some institutions जहाँ पे
नाइन टेंथ में ही आपको 11th 12th के कॉन्सेप्ट बताने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अ वेरी स्मॉल लाइक सिक्स आवर पर वीक का कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है एंड दैट हेल्प्स अ लॉट व्हेन अ स्टूडेंट कम्स टू 11th, क्योंकि 9-10 के टाइम पे आप 11-12 का पार्ट थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस आपने किए होंगे, थियरी पढ़ा होगा, तो लगभग 20-25% कोर्स 9-10 में कंप्लीट करा दिया जाता है। दैट गिव्स यू अ एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन फाउंडेशन। तो 9th इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, बट इट डज नॉट मीन कि अगर आपने 9th में स्टार्ट नहीं किया तो आप लेट हो गए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10th, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 11th। आफ्टर 11th इट गेट्स डिफिकल्ट। If you're not starting in 11th, it is going to be very difficult because 2 साल का कोर्स तो है। आप 12th में आएंगे तो it is very difficult to get a good rank. Because when I talk about the good rank, I talk about the top 50,000 students. तो top 50,000 students में अगर आपको रहना है तो minimum 2 year की पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। And you are trying for IITs, good IITs, computer science, तो फिर आपको काफी कुछ करने की जरूरत है। You have to start actually early. One more question is, Cengage Advanced Series enough for JEE Advanced? Yes, definitely I will say कि any publication you pick, उसके Advanced Series की सारी books, if you solve every single question, then every publication is good enough. Apart from, but to solve those, you have to attend some tuition classes, some coaching classes, some online portals are also there to help you. तो अभी क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, ऑफलाइन ऑनलाइन। इट हैज टू बी हाइब्रिड सिस्टम। ऑनलाइन में आपका टाइम सेव होता है, यू कैन रिवाइज थिंग्स एट मेनी टाइम्स। ऑफलाइन में यू हैव मेंटर वन ऑन वन बेसिस पे जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ करके उसको हेल्प करेगा। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, तो यू शुड बी एक्चुअली फोकस्ड ऑन बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। सो आई विल से कि कोई भी पब्लिकेशन का बुक करो, उसको कंप्लीट सॉल्व करो। Do not do like कि थोड़ा ये दो एक्सरसाइज यहाँ से किया, दो एक्सरसाइज वहाँ से किया, एक एक्सरसाइज वहाँ से कर लिया, 10 अलग अलग तरह के बुक्स उठा लिए, ऐसा जरूरत नहीं है। वी हैव पोस्टेड पोस्ट अबाउट द गुड बुक्स कलेक्शन कि वॉट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन आर पेजेस। तो आप FB इंस्टा पेज पे जाएंगे तो यू विल सी कि बेस्ट बुक्स टू बेस्ट बुक्स कलेक्शन फॉर JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, मैथ्स। Now, it doesn't mean कि वो सारे के सारे questions आपको करने हैं, but yes, उसमें से जो भी आप solve कर सके, उसमें काफी सारा bifurcation दिया हुआ है, अगर आप वहां से solve करते हैं, तो it is good enough. And yes, definitely, Cengage is a good publication. Okay, ये online offline की बात चल रही है अभी. Online offline basically दोनों they go hand in hand. दोनों का अपना अपना advantage है. The kind of mentorship we get in offline, you will not get in online system. But the kind of analytics, the kind of practice you can get, personalized practice in online, that is basically not going to get in the offline classes. So always make a proper hybrid system. Join offline coaching and at the same time join some online portal also. दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो दैट इज गोइंग टू बी गुड। लाइक आई एम फ्रॉम ब्रेनफ्लेक्स, तो आई नो कि ब्रेनफ्लेक्स पे वी गिव सो मच गुड एनालिटिक्स टू आर स्टूडेंट्स कि भाई किसको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए असाइनमेंट, वो सारी चीजें उनको दी जाती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यू कैन नॉट गो वन डायरेक्शन। ओके, another question, is it necessary to solve Pathfinder for under 500 rank? No, not necessary, but advisable. Because doing Pathfinder is a very good thing. And if you are trying to solve Pathfinder, it means you have done a lot of work already. You have solved many questions of all the chapters. You are thoroughly prepared. Pathfinder should not be the first option. Should not be the first book. It should be the last book. Jo bhi aap solve kar rahe hai, koi अपनी कोचिंग का मटेरियल या कोई एक पब्लिकेशन, वो पूरा सॉल्व करने के बाद आप फाइल अगर करते हैं तो दैट विल ऐड डेफिनेटली अ वैल्यू, बट नॉट नेसेसरी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, इन द IIT JEE सम स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 14-15 आवर्स बट दे स्टिल कांट क्लियर द कट ऑफ, व्हाइल सम स्टडी 4-5 आवर्स एंड गेट द डिसेंट रैंक, व्हाई? ओके, सो studying for 14-15 hours is not necessary at all. I will say you should not do it at all.
बिकॉज 1450 आवर्स 15 आवर अगर आप डेली का पढ़ते हैं, इट इज नॉट अ वन डे टू डे फाइव डे या वन वीक जॉब, दिस इज मिनिमम 2 ईयर्स प्रोसेस. 2 साल तक आप 14-15 आवर का अगर आप देते हैं, एफर्ट करते हैं, तो इट इज नॉट, इट विल नॉट बी प्रोडक्टिव. कहीं ना कहीं फटीग आता है आपकी, बाकी सारे एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, फोकस नहीं रहता है. तो फोकस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्लूड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. तो आपको पढ़ाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंक्लूसिव यू शुड ओनली स्टडी फॉर 10-12 आवर. यू हैव टू फाइंड अ वे टू मेक इट प्रोडक्टिव. कितना प्रोडक्टिव उसको बना सकते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट अदर दैन द मेकिंग द आवर्स बिगर एंड बिगर. अब आवर्स आपके पास इनफ है, और 10-12 आवर का पढ़ाई करने के साथ साथ यू हैव टू स्टार्ट एक्टिविटी ऑल्सो. फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए. वीडियो गेम नहीं खेलना है आपको. वीडियो गेम इज नॉट एन एक्टिविटी. सो स्टार्ट अवॉइडिंग द फोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ना फोकस कैसे आएगा, फोकस कैसे आएगा अगर आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 9-10 आवर 11 आवर 12 आवर मैक्सिमम 12 आवर तक पढ़ाई करते हैं. उसका एफिशिएंसी आपको बढ़ाना है सो दैट इट वर्क्स लाइक यू आर स्टडिंग फॉर 15-16 आवर्स. तो क्यों नहीं हो पाता है 14-15 आवर में, बिकॉज फोकस नहीं. हमें पता नहीं हमारा वीक एरिया क्या है. वी आर जस्ट वर्किंग हेयर एंड देयर. वही चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें आते हैं, जो वीक एरियाज है उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं. इन मोस्ट ऑफ दोज केसेस हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. तो इसके लिए हमें ऑनलाइन पोर्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. ऑनलाइन पोर्टल्स विल गिव यू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पार्ट यू आर एक्चुअली लैकिंग. उसमें काफी सारे एनालिटिक्स होते हैं दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीकर एरिया सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट एंड प्रिपेयर इफेक्टिवली. इट्स ऑल अबाउट डूइंग स्मार्ट वर्क. एक तो तभी थी क्या, काम करते जा रहे हमारे यहाँ कहते हैं में गधा मजूरी करने वाली बात. गधा मजूरी नहीं करनी, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको एनालिटिक्स होना चाहिए, एंड दैट ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक ब्रेनफ्लेक्स प्रोवाइड अ गुड रिव्यू इन टू योर वर्क कि आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो 14-15 आवर इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. उसमें बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम होता है. और 4-5 आवर में कुछ बच्चे कर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिट स्ट्रेच. बट यस, 4-5 आवर स्टडी फॉर JEE ओनली, दैट शुड बी द थिंग. उसके अलावा स्कूल से, ट्यूशन से, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा 4-5 आवर अगर आप रेगुलर बेसिस पे JEE के निकालते हैं तो दैट विल बी गुड एंड एक्चुअली वेरी एडवाइजेबल ऑल्सो. साथ में थोड़ा एक्टिविटी, थोड़ा फन इंक्लूड करो, बट ये बिल्कुल फोन, मोबाइल, ये सब चीज़ों से दूर रहिए. ना इन दिस कोविड एरा आई कांट इवन से कि आप बिल्कुल ही दूर रहिए, बिकॉज दैट इज आवर लाइफ लाइन दीज डेज. सारे स्कूल्स, कोचिंग, सब कुछ फोन पे चले पिछले 2 सालों तक. तो प्रोडक्टिव तरीके से यूज करो तो अच्छा रहेगा. अनदर क्वेश्चन आई एम गेटिंग हियर इज व्हाट इज द एडवाइजेबल फॉर लास्ट मंथ मेजर्स फॉर JEE मेन. JEE मेन हो, JEE एडवांस हो या नीट हो, लास्ट मंथ के लिए सबके लिए सेम सिस्टम है कि रिविजन का शॉर्ट नोट तब तक, कोर्स तब उसके पहले खत्म हो चुका होना चाहिए. आपके रिविजन के शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए. एंड इन दोज 1 मंथ यू हैव टू राइट पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर वुड बी बेस्ट. तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सॉल्व करें. नीट में क्वेश्चन थोड़े, पेपर्स थोड़े कम होते हैं, और नीट में लास्ट 10 ईयर के पहले के पेपर सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज दैट इज इवॉल्विंग डे बाई डे, चेंजिंग आ रही है. JEE मेन ऑन द अदर हैंड एक एक साल में 30-40 पेपर्स होते हैं. तो इफ यू सॉल्व दोज पेपर्स इन दोज लास्ट मंथ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. तो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, पेपर सॉल्व कीजिए. और पेपर सॉल्व करके सिर्फ मार्क्स देख लेना इज नॉट इनफ. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं. उस चैप्टर को वापस से एक रिव्यू करना है, उसको समझना है. तो इसलिए 3 आवर का पेपर, उसके बाद 3 आवर और उस पर काम करने का. तो दिस वे यू हैव टू स्पेंड योर लास्ट मंथ अलॉन्ग विथ अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन. एक और चीज है कि कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए. यू हैव, दिस गोज डिफरेंट फॉर JEE मेन एंड नीट एंड डिफरेंट फॉर JEE एडवांस. JEE मेन और नीट की बात करें तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकर एरिया, जो आपका चैप्टर्स वीक है उस पर ज्यादा काम करने का. JEE एडवांस की बात आती है तो यू हैव टू वर्क ऑन दो चैप्टर जो स्ट्रांग है.
जो वीक है वो तो नहीं होने वाले, भूल जाओ उसको। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ ताकि उसके क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। नीट ऑन द अदर हैंड एंड जेडब्ल्यू मेन, हर चैप्टर को आपको इक्वल फोकस देना है, कोई भी चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब पे इक्वल फोकस रखने का है। और जो आपको वीक एरिया लगता है, जो आपको पता चलता है कि ये चैप्टर में मेरे क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं होते हैं, गलतियां होती हैं, उस चैप्टर में क्या गलतियां हैं, चैप्टर के किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से पता चलता रहता है। तो यू कैन जज एंड यू कैन वर्क ऑन दोज एरिया, बिकॉज किस चैप्टर का कौन सा आसान क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो। डू नॉट अज्यूम कि आपका ये वाला चैप्टर वीक है तो ये तो मेरे से क्वेश्चन होता ही नहीं है, हो सकता है उस चैप्टर का बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए। डू नॉट अज्यूम कि चैप्टर तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये तो मैं क्वेश्चन करके ही आऊंगा, हो सकता है कि लाइफ का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उस चैप्टर का आ जाए। सो प्रेजडिस होके नहीं जाना है, यू हैव टू सी एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। डू नॉट गो प्री डिफाइंड कि मेरे को ये वाला चैप्टर नहीं ही करना है। तो लास्ट मंथ में यू हैव टू डू मोर एंड मोर पेपर्स, जितने भी मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं दैट यू शुड डू। व्हाट एल्स, ओके आई हैव वन मोर क्वेश्चन। डेट्स ऑफ जेडब्ल्यू मेन, फ्रेंकली स्पीकिंग नोबडी नोस, एवरीबडी कैन स्पेकुलेट ओनली। यूजली दो पेपर्स हुआ करते थे जेडब्ल्यू मेन के, इस बार चार चार पेपर हुए हैं, अगले साल क्या होगा नोबडी नोस, बट स्पेकुलेशन है। तो माई स्पेकुलेशन इज की पेपर इज फर्स्ट पेपर इज गोइंग टू बी इन द मिड ऑफ लास्ट वीक ऑफ फेब और डायरेक्टली अप्रैल, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ओमिक्रॉन एंड ऑल दीज कोविड अलग अलग वेरियंट्स जो भी हैं उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए नो बडी नोज कि कब पेपर होने वाला है। बट यू बी रेडी कि 15 फेब के पहले आपका सब कुछ फिनिश हो जाए, यू शुड बी रेडी बाई 15 फेब। डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई अप्रैल में पेपर होगा या फेब में पेपर होगा, जब होगा जब डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। तैयारी आपकी फिनिश होनी चाहिए बाय 15 फेब, उसके पहले आई डोंट थिंक कि पेपर होने के चांसेज हैं। तो 15 फेब तक एकदम रेडी हो जाओ और उसके बाद जो भी डेट आएगी तब तक कंटिन्यूस आपको लगे रहना है। और दो पेपर होंगे, थ्री पेपर होंगे, नोबडी नोस। सेकेंड क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कवर 11th JEE कोर्स इन 12th? यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हार्डवर्क ज्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 साल का कोर्स है। जो 11th 12th का कोर्स होता है हम 2 साल में उसको कंप्लीट करते हैं। अब अगर वही काम हमें JEE एडवांस लेवल पे करना हो या JEE मेंस लेवल पे करना हो, कॉम्पिटेटिव लेवल पे करना हो, तो 1 साल में करना काफी डिफिकल्ट होता है। बट यस, इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ, अगर आपका डायरेक्शन सही है, मोटिवेशन सही है, मेंटर सही है, प्रॉपर आपको गाइडेंस है, तो डेफिनेटली वन कैन डू दिस। ऑल माई लाइफ लाइक आई एम बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नाउ, 2002 से स्टार्ट किया था तो 20 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। हमेशा क्या होता है, 11th का कोर्स 11th के बच्चों को कराया जाता है, उसका जब 12th में बच्चा आता है तो 12th के कोर्स कराए जाते हैं। 12th का कोर्स यूजुअली वे फिनिश बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले अक्टूबर तक लगभग 12th का कोर्स फिनिश करा दिया जाता है, उसका पूरा 11th रिवाइज कराया जाता है। बट यस, दैट इज गोइंग टू बी अ रिविजन, इट इज नॉट गोइंग टू बी फुल फ्लेज्ड। बट इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ, इफ यू कैन पुट इनफ टाइम, इफ यू हैव सपोर्ट स्कूलिंग सिस्टम, देन डेफिनेटली यू कैन complete the syllabus of 11th and 12th in 1 year. So best of luck with your preparation. Is it possible to see a quick demo of BrainFlex platform to see how it works? Definitely it is possible. You just go to the platform and start using it. There's nothing to be worried about. You just download the BrainFlex 360 app from Google Play Store, or you can go to web also, student.brainflex360.com, and start using it. We are not charging anything right now, so you can use it for a month and then decide for your own. And if you find any difficulty, we are just a phone call or WhatsApp away. So just drop us a message and we'll be in touch with you. Okay, cutoff ki baat aa rahi hai. Cutoff ka to as such bola jaye to JEE mein cutoff is very low because 12 lakh students appear. Cutoff is basically for 2.25 lakh around. 2.25 to 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ होता है, तो 300 मार्क्स में लगभग 75 के मार्क्स के आसपास कट ऑफ आता है। बट क्लियरिंग कट ऑफ डज नॉट मीन एनीथिंग, क्लियरिंग कट ऑफ डज नॉट मीन एनीथिंग, यू आर जस्ट एलिजिबल टू सेट इन फॉर द JEE एडवांस, उससे आपको कहीं कुछ सिलेक्शन होने वाला नहीं है, कोई कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो
यू हैव टू बी इन टॉप 50,000 रैंक. टॉप 50,000 रैंक में रहने के लिए यू हैव टू गेट 50% ऑफ द मार्क्स. लाइक 300 मार्क्स का पेपर है तो मिनिमम 150 मार्क्स आपके हैं. दैट इज गुड इनफ, दैट इज डिसेंट इनफ फॉर यू एंड टू वर्क ऑन मिनिमम गेटिंग 50%. कट ऑफ तो 70 के आसपास आएगा, बट 70, 80, 90, 100 मार्क्स लाओगे तो कुछ अच्छा मिलने वाला है नहीं. ओके, सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. दिस वॉज माई फर्स्ट लाइव एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑन इंस्टा एंड फेसबुक एंड यूट्यूब फॉर giving me this opportunity. And thank you. For any question, you can definitely drop us a message on BrainFlex 360. We have an email like hello@brainflex360.com. So you can also contact us via the email, via our website. Pe kafi sare links hai, Facebook ka, Insta ka, har sara hai, email hai. So that you can do. And yes, thank you, joyful. Okay, so thank you. Have a great day.